कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य कैबिनेट द्वारा पारित संशोधित उद्योग नीति से बिहार उद्योग को काफी लाभ पहुंचेगा। आज पटना में दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहां खाद्य प्रसंस्करण और मखाने के उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। इस उद्योग में निवेश के लिए बाहरी निवेशकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जदयू और भाजपा ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में कराने का अनुरोध किया है। वहीं राजद ने कहा कि उसे एक ही चरण में चुनाव कराने पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर चुनाव प्रचार परंपरागत तरीके से ही होना चाहिए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना था कि पैसे वाली पार्टियों के लिए डिजिटल प्रचार करना आसान है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए ये संभव नहीं है। वहीं जदयू और भाजपा नेताओं का कहना था कि बिहार को छोड़कर देश में कहीं विधानसभा चुनाव नहीं होना है। ऐसे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अधिक संख्या में बिहार बुलाकर एक ही चरण में चुनाव कराया जा सकता है। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से सोमवार तक लिखित तौर पर चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर राय मांगी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात से बचाव और पूर्व चेतावनी देने के लिए एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। इंद्रवज नामक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से स्मार्टफोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद फोन यूजर को लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में ठनका गिरने की स्थिति में 40 मिनट पूर्व अलार्म टोन के साथ एक चेतावनी संदेश भी प्राप्त होगा। विभाग ने कहा है कि इससे वज्रपात के बाद होने वाले जान माल के नुकसान में कमी आएगी। विभाग की तरफ से लोगों से मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की गई है। कर लो दुनिया मुट्ठी में की बात सोची गई थी, ये आज साकार होती दिख रही है। बांका जिले के धौरैया प्रखंड के बटसार पंचायत स्थित कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल गांव की मिसाल बनकर उभर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाओं और अन्य कई सुविधाएं उन्हें ऑनलाइन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। सर्विस सेंटर से डिजिटल साक्षरता अभियान को भी गति मिल रही है। 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब नजदीक में हो गया तो सर्विस सेंटर तो आसान हो गया, परेशानी कुछ नहीं। लाभ यही फायदा हुआ कि पहले हम लोगों को धुरिया जाना पड़ता था, अब वो चीज यही बटसार में सीएससी सेंटर पर, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान पंजीकरण, ये सब यही पर बनता है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा है। पहले वृद्धा पेंशन का भरने में बहुत परेशानी था, ब्लॉक जाते थे, मुखिया के पास जाते थे, सरपंच के पास जाते थे, कई बार फार्म भरे कुछ नहीं पास हुआ। डिजिटल होने के बाद में फार्म भरे तुरंत पास हो गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। पहले बहुत दिक्कत होता था सीएससी सेंटर नहीं था तो, और अभी सीएससी सेंटर होने पे जो है किसानों को और पर्सनल हमको भी बहुत लाभ हुआ है। डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक मनीष कुमार बताते हैं कि पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने के लिए गांव के लोगों को पहले भागलपुर और पटना जाना पड़ता था। अब इसके अलावे अन्य कई सुविधाएं और जानकारियां लोगों को सर्विस सेंटर से ही मिल रही हैं। सर, ये सीएससी केंद्र से केंद्र सरकार की लगभग जो योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड मैंने लगभग 600 लोगों का बनाया है जो हमारे पंचायत और अगल बगल के लोगों का है। 2000 लोगों का मैंने पैन कार्ड बनाया है लगभग। आधार कार्ड यहाँ पे 6000 लोगों का मैंने बनाया है और सुधार किया है। और उसके बाद सर पासपोर्ट भी मैंने यहाँ पे 10 अप्लाई किए हैं जो हमारे क्षेत्र के लोगों का है, जिसके लिए पहले लोगों को भागलपुर और पटना जाना पड़ता था। पंचायत के मुखिया रजनीश वर्मा डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर को अपने पंचायत के लिए सौभाग्य मानते हैं। श्री वर्मा भारत सरकार और प्रधानमंत्री की इस योजना की सराहना करते हुए कहते हैं कि हमारा पंचायत सौभाग्यशाली है कि सीएससी के लिए चयनित किया गया है। सेंटर और डिजिटलाइजेशन होने के कारण बटसार के लोग जन जन तक, हर एक आदमी तक सारा लाभ ले रहे हैं ऑनलाइन करा करके। बहुत खुशी मिल रही है हम लोग बटसार पंचायत को कि यह चीज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ बटसार में केंद्र होने से। धौरैया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती कहते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर से एक ही जगह पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी गांव के डिजिटलाइजेशन से इस तरह की सुविधाएं सभी ग्रामीणों को मिल सकेंगी। एक पॉइंट पर लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं, केंद्र द्वारा प्रायोजित सुविधाएं प्लस अन्य सुविधाएं, मतलब एक पॉइंट पर ही मिल जाता है। इससे वहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं ऑनलाइन करने में। इसी प्रकार से प्रत्येक गांव को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे
हमारा ये डिजिटल इंडिया का कैंपेन सफल हो पाए और लोगों को सुविधाएं उनके गांव में ही मिल जाए। गांव में डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर खोलने से गांव के लोगों को एक जगह सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अब ग्रामीण भी मेट्रोस की तरह तकनीकी सहायता से विश्व से जुड़ गए हैं और डिजिटल गाँव अब ग्लोबल विलेज बन गया है। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समस्तीपुर जिले के विभूतिनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में पुलिस ने छापा मारकर एक ट्रक विदेश शराब जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में 5000 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। पुलिस मामले की संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उधर मुंगेर जिले में आधा दर्जन से अधिक हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आज सुबह जिले के सूर्यगढ़ा शहीद चौक के पास सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर मुंगेर जिले के निवासी हैं। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतामढ़ी और शिवहर जिले के सभी डीएसपी, थानाध्यक्ष, बीडीओ, मुखिया, सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री पांडे ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी कानून को सख्ती के साथ लागू करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस बाबत शिकायत मिलने पर तुरंत जांच का प्रावधान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके तहत उत्तर बिहार के 18 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में नेपाल से सटे उत्तरी और मध्य बिहार के जिलों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इधर विगत 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद गंगा, गंडक, बागमती, घाघरा, महानंदा, कमला बलान सहित राज्य की प्रमुख नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा के जलस्तर में विगत 3-4 दिनों से वृद्धि जारी है। इस बीच मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से जारी जंग में दूसरे देशों की तुलना में बेहतर काम कर रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मौजूदा आर्थिक हालात से निपटने में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण। बिहार विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने पर सहमत हुए एनडीए और राजद। और आपदा प्रबंधन विभाग ने बनाया इंद्रवज मोबाइल ऐप, अब 40 मिनट पहले मिल सकेगी वज्रपात की सूचना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।